हेलो फ्रेंड्स, ईशान शार्ट हेल्थ में आपका स्वागत है, जहां हमारा फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे होता है। मेरा नाम है सिद्धार्थ उपाध्याय और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इजी हेल्दी हैबिट्स के बारे में। इन हैबिट्स को इंक्लूड करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए। चलिए सबसे पहली हैबिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने किचन में जो भी रिफाइंड ऑयल या अगर वनस्पति यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से। रिफाइंड ऑयल बहुत ही इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स और अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको रिप्लेस करिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स से। अपने लोकली अवेलेबल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लीजिए, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी चेंज की। दूसरा चेंज बहुत ही सिंपल है। आप जो वाइट सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह रॉक सॉल्ट यूज़ करिए। वाइट सॉल्ट बहुत ही केमिकली रिफाइंड होता है और जो इसमें आयोडीन बोला जाता है वो आयोडीन आप अपने खाने से भी नॉर्मली पा लेते हैं, जो आपको दालों में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाता है। ऑल्सो बहुत सारे वाइट सॉल्ट्स में आयोडीन पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडीन के फॉर्म में डाला जाता है, जो कि आपके हेल्थ को फ़ायदे की बजाय बहुत नुकसान भी पहुँचा सकता है। वाइट सॉल्ट की बजाय नॉर्मल रॉक सॉल्ट लीजिए, जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। अब तीसरी बात में जब भी आप दालें बनाते हैं या चावल बनाते हैं तो उनको पहले तो पानी में सोक करिए, और दूसरी बात उनको प्रेशर कुकर में कुक मत करिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में उसमें न्यूट्रिशन बहुत मात्रा में कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस है उसमें। अगर प्रेशर कुकर की बजाय इसको किसी पॉट में बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। न्यूट्रिशन इनटेक भी बरकरार रहेगा और आपके दाल और चावल टेस्टी भी बहुत रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, इसको पहले थोड़े देर सोक करिए, क्योंकि सोक करने से दालों को उनके अंदर का फाइटेट, जो कि एंटी न्यूट्रिएंट है, वो निकल जाता है। अब चौथी चीज़, जब भी आप खाना बनाएं अपने खाने में ब्लैक पेपर का ज़रूर इस्तेमाल करें। ब्लैक पेपर बहुत सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और डाइजेशन में भी एड करता है। ब्लैक पेपर ज़रूर यूज़ करें। अब बात करते हैं पांचवी चीज़ की। खाना खाने से जस्ट पहले, खाना खाते समय और खाना खाने के जस्ट बाद आप पानी ना पिएं। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने से आधे घंटा पहले पिएं या खाना खाने के एक घंटे बाद पिएं। इस तरह से अगर आप पानी पिएंगे खाना खाने से जस्ट पहले या जस्ट बाद या इवन खाते समय, तो वो आपके लिए इनडाइजेशन कर सकता है। इसीलिए बेहतर रहेगा कि खाना खाने से जस्ट पहले भी ना पिएं और इमीडिएटली बाद तो बिल्कुल ही ना पिएं पानी। अब छठी और फाइनल बात, ये सिंपल नट्स के बारे में है। नट्स को मॉडरेशन में लें, कोई भी नट लें और उसको मॉडरेशन में लें, लेकिन नट्स को सोक करके ज़रूर लें। अगर आप आलमंड या वॉलनट वगैरह ले रहे हैं, इवन कैश्यूज़ को भी थोड़ी देर सोक करें। आलमंड वॉलनट को आपको थोड़ा लंबे समय तक सोक करना पड़ेगा, ओवरनाइट सोक कर लें तो बहुत अच्छा है। ओवरनाइट सोक करके आलमंड वॉलनट को पील करके ही खाएं। इवन कैश्यूज़ को भी 15 से 20 मिनट सोक कर लें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो आप बाकी नट्स को रोस्ट भी कर सकते हैं। रोस्ट करने से भी इनके एंटी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ध्यान रखें, नट्स को सोक करके खाएं या रोस्ट करके खाएं, जिससे आप इनके एंटी न्यूट्रिएंट्स को डिक्रीज़ कर पाएं। ये बहुत सिंपल 6 इजी आइडियाज़ हैं, जिनको फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।